कानपुर में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जिले के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को हिंदू नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी अपनी बहन की मदद से उसे भगाकर उसे बाबू परवा स्थित अपने घर ले गया और जबरन उस पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। नाबालिग की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। 13 वर्षीय बच्ची की मां ने बताया, बाबूपुरवा इलाके के रहने वाले एक मुस्लिम युवक नौबस्ता स्थित उनके घर के पास मजदूरी करता था। पानी लेने के बहाने घर आना जाना शुरू किया और उनकी बेटी को हिंदू नाम बताकर प्रेम जाल में फंसा कर भगा ले गया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवक व उसकी बहन ने उनकी नाबालिग बेटी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया था। नाबालिग की मां ने जानकारी होने के बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक व उसकी बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, मेरी बेटी मन्नत अवस्थी, मेरे अभी हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उस दिन मैं तीन ही घर पे चली गई थी। तो वो लड़का प्लॉट बनाता था यहीं पर, वो आया मेरे घर, उसको फ़ोन नंबर दे गया। इसके बाद मेरे फ़ोन पे उसका फ़ोन आया, उसकी बहन का आता था, उसका नहीं। मैंने उसको एक दो बार मना भी किया कि मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं करिए, लेकिन वो नहीं मानती थी। फ़ोन करवाती थी, मतलब अपनी लड़की वही अपने भाई से। तो मैंने इसकी मतलब अपनी जानकारी, मतलब मुझको जब मालूम चला तो इसको मन्नत अवस्थी को हमने डांटा भी, समझाया भी कि बेटा ऐसा काम नहीं करो, लेकिन ये नहीं मानी। इसको बहला फुसला के ले गए और इससे कहा कि हम तुम्हारा धन कर्मण कर देंगे, तुम घर से आधार कार्ड ले आओ ऐसा। तो ये घर पे ऐसे ही बोलती थी, पागलों की तरीके हो गई थी बिल्कुल ही सर। इसके बाद इसको हमने जब समझाया, ये 13 साल की नाबालिग, फिर ये नहीं मानी। तो इस जब कल अभी शाम को उसके साथ चली गई, मैं घर पे नहीं थी, बाजार गई थी, तो मैंने जब देखा घर पे बच्ची नहीं, तो मैंने सूचना यहाँ पुलिस पे दी, जिससे उस पर कार्रवाई की गई। नहीं तो क्या बताया उनको, क्या नाम बता कर उसने, लड़के ने, ये मेरी लड़की बताती है, उसने बाबू नाम बताया था, बाबू नाम है, मैं पूछती थी बाबू नाम बताता था, मतलब हिंदू नाम बता करके। जी जी, हिंदू नाम बता करके मतलब उसने फंसाया इस तरह। उसके बाद मुस्लिम बनने का जी, ये हमारी लड़की एक जब आई तो ऐसे बांध के कहती थी हमको, लोगों ने कहा है हिंदू से तुम्हें मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया है, ये वो इस तरह बोलती थी। सर, फोन आता था, फोन की वजह से मैंने इनको डांटा था, उसी की बहन का। एक दिन रात में भी फोन आया, रात में ही आता था, मैंने रात में देखा तो इनको डांटा, इसको बेटा फोन नहीं करो, फोन नहीं करो। ये मतलब फोन जब उसका आता था, ये मतलब चुपचाप बात करती थी वो, तो ये एक दिन चली गई, उस वो लिवा गया उस इसको मतलब अपने घर। फिर उनकी मम्मी लोग इसको छोड़ने आई थी शाम को, और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बना रही थी, तो हमने कहा ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो आप, तो कहती तो क्या मैं आपकी लड़की को छोड़ने आई हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये। जी ऐसे कह रहे थे कि आप मतलब आधार कार्ड ले आओ तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये बताती है, ऐसा मम्मी बोलते थे। वो ये थाना नौबस्ता पे वादी के द्वारा तहरीर दी गई थी, इसमें ये संज्ञान में आया कि एक बाबू नाम का व्यक्ति जो बाबूपुरवा थाने का रहने वाला है, वो लेबरी का काम करता था और जो वादी पक्ष है उनके बगल में ही वो काम कर रहा था, वहाँ उसके घर पे एक आध बार आता जाता था। उसी के आगे प्रकरण में वहाँ पे जो उनके परिवार में जो बालिका थी उसको भगाने के आरोप उसमें तहरीर में लगाए गए हैं। इसमें संगत धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें जो अभियुक्त हैं और उसके साथ उसकी बहन, दोनों को जेल भेजा जाए। हिंदू नाम बताकर
इसमें जो तहरीर दी गई है उसमें जो जो आरोप लगे हैं उसमें जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनमें हमने FIR दर्ज कर ली है। बाकी जितने भी आरोप लगाए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में हम दिखवाएंगे और उस पर भी हम जांच करेंगे।